स्वागत है दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि रिलेटेड होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक कॉन्स्टेंट फोर्स, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे एक कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, ऑफ मास 5 kg। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में जो चीज डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपको लिखते चलना है। सबसे पहले मास है 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए वो मास पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। इट इंक्रीज इट्स ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है फ्रॉम 3 m/s टू 7 m/s, जिसे फोर्स अप्लाइड किया गया 2 सेकंड के लिए, जिसके कारण उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी उसकी 7 m/s। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स कितना लगा उसकी मैग्नीट्यूड हमें निकालनी है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग डाटा को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डाटा लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का मास लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मास लिख लेते हैं। तो मास m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 kg, ठीक है, यहाँ पे 5 kg मास हो गया। उसके बाद ड्यूरेशन टाइम, टाइम t इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 सेकंड, ठीक है। तो दोनों चीज हम लोग डाटा उठा लिए क्वेश्चन से। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो गया 3 m/s, ओके, और वही फाइनल वेलोसिटी v हो गया हमारा 7 m/s। ये हमारा डाटा दिया हुआ है। अब हमें इसमें अप्लाइड फोर्स कितना हो रहा है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स का वैल्यू यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला से यूज करते हैं, तो फोर्स एफ इज इक्वल टू हो जाता है, हमारा फॉर्मूला होता है एम ए। हमेशा याद रखना है फोर्स इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ना, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम दिया हुआ है, तो इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। एम को लिख सकते हैं m v - u (1/t) कर सकते हैं। एक्सीलरेशन को मैंने तोड़ दिया v - u/t करके, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इक्वल टू f इज इक्वल टू मास का यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, 5 kg, 5 kg, ओके, और फिर ब्रैकेट में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 7 m/s, ठीक है, -3 m/s, ओके, अपॉन टाइम यहाँ पे कर देंगे, टाइम यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2 सेकंड, ठीक है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, तो 5 kg multiplied by और 7 में से 3 चला गया, यहाँ पे आ गया 4 m/s, ओके, और अपॉन 2 सेकंड, तो 2 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, आंसर आएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 kg/s, kg, और ये रहा सेकंड ऊपर जाएगा तो m/s², जिसको हम लोग, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया, मतलब कि 10 N यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना फोर्स अप्लाइड हुआ, तो 10 N का फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं, वो क्या कह रहा है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड तक फोर्स अप्लाइड हुआ, तब कितना होगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का क्या होगा। अगर हम लोग का जो फोर्स है वो अप्लाइड हो रहा है 5 सेकंड, तो अभी तो पहला वाला केस में 2 सेकंड तक अप्लाइड हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेकंड, 2 सेकंड तक अप्लाई हुआ था, अभी इसको बढ़ा के 5 सेकंड तक कर दिया है, लेकिन फोर्स उतना ही अप्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फोर्स का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से निकालते हैं, तो हमें फोर्स का वैल्यू एफ इज इक्वल टू 10 N मिल गया है। टाइम ड्यूरेशन जो बताया क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम बोला है कि 5 सेकंड तक अप्लाई हो रहा है, तो टाइम हो गया यहाँ पे 5 सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वही हो जाएगा जो प्रीवियस था, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि 3 m/s, ओके, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा डाटाबेस पे ये चीज दिया हुआ था, ये हमने डाटा क्वेश्चन से उठाया, ये सारे चीज दिया हुआ, और मास, ऑब्जेक्ट का मास इंपॉर्टेंट चीज, मास तो वही रह जाएगा 5 kg, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 kg मास था, वही 5 kg मैंने यहाँ लिख दिया। फिर अगेन उसी फॉर्मूला से चलना है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, इसको हम और लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू मास
वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, इसी पे चलना है, इसी फॉर्मूला से, ज्यादा इसमें भटकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन यूनिट न्यूटन हो गया इज इक्वल टू, और मास हो गया 5 kg, ओके। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, तो वी रख कर ही चलते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी 3 m/s दिया हुआ है, ओके। और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे हमें 5 सेकेंड दिया है, जो कि चेंज करके 5 सेकेंड कर दिया, ओके। अब यही है, यहाँ पे और करते चलिए तो आसानी रहेगा, ठीक है। अब और अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 5 से ये कट गया, ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू यहाँ पे v माइनस 3 बचेगा, 10, अब यूनिट मैंने हटा दिया यहाँ पे, तो 10 का 10 आ गया यहाँ पे, 5 से 5 कट गया, और यहाँ पे v माइनस u, तो u का वैल्यू 3 यहाँ पे लिख दिया, और 10 इज यहाँ पे माइनस 3 था तो इधर लेके आएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू v, और v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो मेरा निकल के आएगा 10 प्लस 3 13 m/s, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा। अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि बोला कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के अगर आप यहाँ पे 5 सेकेंड कर देते हैं तो क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी 13 m/s हो जाएगा, जबकि पहले वाला केस में फाइनल वेलोसिटी 7 m/s था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा फाइनल वेलोसिटी था, अगर इसमें फोर्स बढ़ा दिया गया, मतलब टाइम बढ़ा दिया गया 5 सेकंड तक, तो इसका फाइनल वेलोसिटी 13 m/s हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा जो पार्ट था क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, विच वुड रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स, किसमें ज्यादा फोर्स की अप्लाइड होगी, एक्सेलरेशन एट 2 kg मास एट 5 m/s² और 4 kg मास एट 2 m/s, तो किसमें ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो दोनों केस का हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे केस वन लेके चलते हैं और यहाँ पे केस टू लेके चलेंगे, ठीक है, केस टू लेके चलेंगे। तो पहला केस में बात करते हैं, तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास, तो मास एम वन मान के चलते हैं 2 kg, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है ए वन, ठीक है, केस वन है तो इसलिए ए वन मान लिए, तो 5 m/s², ठीक है। तो और दूसरा केस बाद में लिखेंगे, पहले ये निकाल देते हैं। अब यहाँ पे फोर्स अप्लाइड एफ वन कितना हो जाएगा, एम वन इंटू ए वन, एम ए होता है फोर्स का फॉर्मूला, तो एम का वैल्यू हो जाएगा 2 kg इंटू 5 m/s², ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 kg m/s², इसको लिख सकते हैं 10 N, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10 N, ओके। अब केस टू की बात करें, तो यहाँ पे मास 2 और एक्सेलरेशन 2 दोनों का अलग अलग लेंगे तो समझ में आएगा, तो यहाँ पे मास है 4 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन है 2 m/s², ओके। तो एफ टू दूसरा केस में कितना निकलेगा, तो एम टू ए टू लिखेंगे, ठीक है, तो एम टू मास कितना हो गया 4 kg, ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 m/s², ठीक है, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा kg m/s², इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 N। तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स कौन सा आ रहा है, केस वन वाला आ रहा है 10 N ज्यादा बड़ा 8 N से, तो पहला वाला जो केस है उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 km/h, ठीक है, एक मोटरसाइकिल है 108 km/h की स्पीड से मूव कर रही है, इट टेक्स, इसको टाइम लगता है 4 सेकंड का टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड, ब्रेक अप्लाइड करने के 4 सेकंड के बाद ये रुकती है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ये बता रहा है कि 108 km/h है। इसी तरह से अप्रोच करना, आपको पकड़ना है क्वेश्चन में कि क्या इनिशियल वेलोसिटी, क्या फाइनल है, तो सो इनिशियली मोटरसाइकिल मूव कर रही थी 108 km/h की स्पीड से, फाइनली उसमें ब्रेक लगा 4 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन लगा, और उसके बाद उसकी जो स्पीड हो गई वो 0 हो गई, फिर ब्रेक लगा और स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे वी 0 हो गया, ठीक है। कैलकुलेट, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाई द ब्रेक, हाँ फोर्स एक्सर्टेड, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ब्रेक के द्वारा ऑन द मोटर कार इफ
मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। अगर उस पूरे मोटर कार का जो मास है वो 1000 kg है, कार का और पैसेंजर दोनों मिला के, और जो फोर्स कितना अप्लाइड हुआ ब्रेक के द्वारा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में पहले हम लोग वो चीज लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली कार मूव कर रही थी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अब ध्यान दीजिएगा, 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा यूनिट में चेंज करना, मतलब कि मीटर पर सेकंड में ही चेंज करना यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में सुविधा रहेगा। तो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 108 × 5/80, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या 1000/3600 जो होता है किलोमीटर को उसमें चेंज करेंगे, इतना मीटर पर सेकंड में डायरेक्टली ये चेंज हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 18 को काटेंगे 108 से, तो 6 × 6 = 30, तो 30 मीटर पर सेकंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली कार 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, मतलब कि 108 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, तो आ गया 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने ब्रेक अप्लाइड कर दिया था, और कितना टाइम में इसका ब्रेक लग गया, तो टाइम हो जाएगा 4 सेकंड, ओके। तो सारा चीज हमें यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, मास ऑफ मोटर कार, तो मास ऑफ मोटर कार 1000 kg दिया हुआ है, तो हम लोग वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज, अब यहाँ पे फोर्स अप्लाइड, क्या फोर्स अप्लाइड होगा वो निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मास, और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के टर्म में जब दिया हुआ रहे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को तोड़ देंगे, ठीक है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन ए को ही तोड़ दिया मैंने, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ 1000 kg, ठीक है, kg, और इसके बाद यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 − 30 m/s, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और अपॉन टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, निगेटिव में आंसर आएगा 1000 × -30, ठीक है, तो 0 − 30 m/s, तो −30 आएगा अपॉन 4, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट वाला पेज हम बनाते हैं, तो 1000 × −30 था अपॉन 4, ठीक है, यही था ना, देख लीजिए आप पीछे वाला पार्ट यही था, इसी से आगे लेके चलते हैं, फोर्स है ये, फोर्स अप्लाई, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो 250 हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो 250 आएगा, 250 × −30, ठीक है, तो 250 × −30 करेंगे तो 7500 माइनस में, माइनस साइन चलेगा, यहाँ पे न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो आप देख रहे हैं माइनस में आ रहा है, माइनस साइन क्या अप्लाई कर रहा है, माइनस साइन अप्लाई कर रहा है कि ये डायरेक्शन बता रहा है फोर्स का, तो जो फोर्स लग रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है ब्रेक के द्वारा, ठीक है। तो कार का डायरेक्शन अगर ईस्ट वेज है तो जो फोर्स लग रहा है वो वेस्ट वर्ड डायरेक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे आंसर निगेटिव में आ रहा है। तो इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा −7500 N का जो फोर्स लगेगा, इस कारण से कार 4 सेकंड में रुक जाएगी। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ए फोर्स ऑफ 5 N का फोर्स है गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 m/s², ठीक है। 5 N का फोर्स, अगर m1 मास है, जिसका मास m1 है, उसका उसको एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड कर पाता है, 10 m/s² का, ठीक है। एंड m2 मास है, यहाँ पे मास दूसरा मास है, इसमें भी सेम 5 N का ही फोर्स लगता है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 m/s² का। पहले वाला जो मास था m1, उसमें अगर हम लोग 5 N का फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन आता है 10 m/s². वही दूसरा मास है जिसमें भी 5 N का ही फोर्स लगाते हैं, तब उसका एक्सेलरेशन बढ़ के हो जाता है 20 m/s², ठीक है। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन वुड इट गिव ए बोथ मास वेयर टाइट टुगेदर, अगर दोनों मास को बांध दिया जाए, आपस में टाई कर दिया जाए, तब उसमें जो फोर्स लग रहा है
तब उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो सिंगल सिंगल मास पे जब 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा तो उसमें एक्सेलरेशन 10 और 20 आया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि दोनों मास को m1 प्लस m2 कर दिया जाए, दोनों मास को कंबाइंड कर दिया जाए, तब उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तब उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अब एक एक करके निकालते हैं। तो पहला केस लिखते हैं यहाँ पे, तो फोर्स अप्लाइड कितना हो रहा है F, ये 5 न्यूटन, ये तो कांस्टेंट फोर्स है, इसमें चेंज हो नहीं रहा है। अब खेल यहाँ पे हो रहा है m1। ठीक है, जो मास 1 है वो m1 है और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का निकल रहा है। तो F इज इक्वल टू, फर्स्ट केस का बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे m1 इंटू a1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मास निकालना है, m1 निकालना है, तो m1 कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो F अपॉन a1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मास m1 का वैल्यू निकाल देंगे तो फोर्स हमारा कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे a1 एक्सेलरेशन, इसके साथ एक्सेलरेशन a1 दिया हुआ था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन a2 दिया हुआ था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 5 अपॉन a1 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकालेंगे तो फोर्स इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.5 मास है तो kg में आंसर आएगा। तो फर्स्ट केस में 0.5 kg आ रहा है। तो पहला केस जो उसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगा m1 पे, तो कितना आया उसका मास, तो m1 का मास निकल गया 0.5 kg। उसी तरह से सेकेंड अप्रोच लेके चलते हैं, F इज इक्वल टू m2 इंटू a2। ठीक है, सेकेंड मास का और इसका एक्सेलरेशन a2 है, उसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पे m2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें फोर्स अपॉन a2 कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किए थे फोर्स अपॉन a1, उसी तरह फोर्स अपॉन, क्योंकि फोर्स दोनों में सेम है, एक्सेलरेशन दोनों में चेंज हो रहा है और यहाँ पे मास भी चेंज है। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू हो गया 5 न्यूटन अपॉन यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, kg मतलब कि हो गया यहाँ पे 0.25 kg। ठीक है, तो m1 और m2 का हमें वैल्यू निकल गया, तो मास 1 कितना है 0.5 kg और m2 मास, सेकेंड मास कितना है 0.25 kg। ठीक है, तो अब हम लोग कंबाइंड मास निकाल देते हैं, नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा 0.5 kg प्लस 0.25 kg बराबर हो जाएगा 0.75 kg। ओके, फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा था 5 न्यूटन, जितना पिछले बार में फोर्स लग रहा 5 न्यूटन, देख सकते हैं यहाँ पे 5 न्यूटन वही फोर्स लगेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड बी द, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फोर्स 5 न्यूटन निकल गया आगे हमारा, मास कंबाइंड मास ले लिए m1 प्लस m2, इसको हम लोग m बोलेंगे, कैपिटल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा ये m क्या है, m1 प्लस m2 का ही सम है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स पे निकल गया तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू s, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पे हो गया 0.75 kg इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a लिखेंगे और यहाँ पे जो फोर्स है 5 न्यूटन का फोर्स है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 न्यूटन अपॉन 0.75 kg। ठीक है, अब इसको पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 4, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 × 4 हो जाएगा 20/3। ठीक है, इतना न्यूटन अपॉन kg कर देंगे तो एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा जो कि होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको पॉइंट में चेंज कर देंगे तो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो कंबाइंड जो मास हो जाएगा उस पर अगर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, ध्यान दीजिए यहाँ पे 20 ग्राम मास दिया हुआ है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑन दैट लॉन्ग टेबल, एक लॉन्ग टेबल पे 20 ग्राम का मास है,
वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अलग से वीडियो बना हुआ है, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस जब टाइम जीरो था, इनिशियल टाइम था, तो वहां पे वेलोसिटी इसका 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड करके अगर धड़ाधड़ बना दिए तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ट्विस्ट यहीं पे करता है, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड दे दिया है, यहाँ पे 20 ग्राम में दे दिया है, तो इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो ये सब ध्यान रखना है। तो वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। ओके, उसका फाइनल वेलोसिटी इसका 10 सेकंड तक आते आते जीरो हो गया। ठीक है, तो हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट। तो टेबल पे ये बॉल मूव करते करते, मतलब कि 10 सेकंड में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से शुरुआत में मूव कर रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे वो टेबल के रेसिस्टेंस के कारण वो धीरे धीरे जाके रुक गया। तो इसमें हमें फोर्स निकालना कि कितना फोर्स है। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जितना डाटा मिल सकता है उस चीज को हम लोग निकालेंगे। जैसे कि इनिशियली हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पे कुछ इसका वेलोसिटी थी, कितनी थी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जैसे कि ग्राफ दिखा रहा धीरे धीरे जाके यहाँ पे 10वां सेकंड पे ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो चुकी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, और जो टाइम है, ये कितना टाइम लगा इसको जीरो होने में, तो 10 सेकंड लगा, और यहाँ पे मास 20 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ। ओके, तो चारों चीज मोटा मोटा हमको मिल ही चुका है यहाँ पे। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम जो ड्यूरेशन दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें मिला, और मास भी दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 20 ग्राम दिया हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग उसको निकालते हैं। सबसे पहले एसिलरेशन इसमें कितना होगा, जो कि निगेटिव एसिलरेशन होगा। आप समझ रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी से कम है फाइनल वेलोसिटी, तो आंसर इसका निगेटिव में आएगा, मतलब कि ये स्लो डाउन हो रहा है। तो एसिलेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, जीरो माइनस 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर हमारा माइनस 20 अपॉन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बराबर हो गया यहाँ पे आपका माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यों किया ऐसा, क्योंकि सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर से चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, एसिलरेशन हमारा यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो मास यहाँ पे हमारा दिया हुआ था 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को हम लोग को केजी में चेंज करना है, इसलिए 20 ग्राम ही अभी लिखते हैं। और यहाँ पे एसिलरेशन जो है वो हमारा आ गया था 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही था, इसलिए आप स्लाइड से देख सकते हैं 0.2 यहाँ पे आया था एसिलरेशन, जो कि निगेटिव में था। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा जो आएगा आंसर वो निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट लिख लेता हूँ। अब 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 20 ग्राम को केजी में चेंज करना, तो 20 अपॉन 1000 कर देंगे, तो आ जाएगा केजी इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन तो रहेगा ही, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी नीचे ही कर देते हैं हम, तो सुविधा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 2 × 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 केजी, माइनस साइन आ जाए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको लिखेंगे कैसे, 0.123 और एक 4, 4 जीरो है, तो 4 × 1, 2, 3, 4 डिजिट कर दिए, पॉइंट लगा दिए, निगेटिव साइन लगा दिए, और यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड का न्यूटन लिख दिया।
तो फोर्स जो अब जो लग रहा है बॉल में, यहाँ पे आप ग्राफ से देखिए, जो फोर्स लग रहा था इनिशियली इसका 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड था, वो धीरे धीरे रेसिस्टेंस के कारण होते होते 10 सेकंड में इसका स्पीड जीरो हो गया। तो जो फोर्स अप्लाइड हुआ, रेसिस्टेंस फोर्स जो टेबल के द्वारा, वो कितना था, 0.0004 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हुआ। ठीक है, तो ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये फोर्स मतलब निगेटिव डायरेक्शन, मतलब कि मोशन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है बॉल का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। और फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो रेसिस्टेंस फोर्स लगाया जा रहा है टेबल के द्वारा। ठीक है, इसी कारण से ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइनली जीरो हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।